हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एम्बेसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को फ्री कट टॉयलेट शौचालय आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो घर बैठे फ्री में। आप लोग 9,000 रुपीस ले सकते हो अपना बैंक खाते पर। तो गाइस, इसका प्रोसेस अगर आपको जानना है, ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिए। फ्री में अभी ये चल रहा है गाइस, फेज टू चल रहा है। तो गाइस, फाइनली आप लोग अभी इजीली अपना मोबाइल से टॉयलेट के लिए आवेदन कर सकते हो फ्री का, जो कि आपको बैंक अकाउंट पर पैसा दिया जाएगा और वहां पर स्टेटस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, इस प्रोसेस आप लोग को दिखाने वाला हूं, बने रहे वीडियो पर। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्री टॉयलेट आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो घर बैठे अपना मोबाइल से, और ये 12,000 रुपीज का है और अप्रूव होता है फर्स्ट नंबर में। आपको वन इंस्टॉलमेंट में 9,000 रुपीज क्रेडिटेड होगा आपका बैंक अकाउंट पर, उसके बाद में 3,000। ये गाइस, अभी तक कोई भी नोटिस आया नहीं है, जब आएगा मैं आप लोगों को बोल दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो पर पढ़ लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो न्यू एप्लीकेशन इस तरीके का होता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पर जाइए और उसके बाद में देखिए गाइस, आपको ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, swachhbharatmission.ddws.gov.in। तो देखिए गाइस, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है और इस साइट पर आना है, और इस साइट पर आने के बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी सबसे पहले देखिए गाइस, सबसे पहले नीचे में जाना है। नीचे में जाने के बाद में ये आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHL डैशबोर्ड, मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटिन डैशबोर्ड है ये। तो यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन सबमिशन होता है गाइस, और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर आपको जाना है, और सिंपल सा एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप लोग अपना मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मतलब अपना नाम, विलेज, अपना गाँव का नाम और अपना मोबाइल नंबर और एक OTP दे के आपको यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद में यूजर आई डी, पासपोर्ट आपका, मतलब सब कुछ हो जाएगा, यूजर आई डी हो जाएगा एक्चुअल में। और यूजर आईडी होने के बाद में देखिए गाइस, यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर पर आप लोग मोबाइल नंबर दे दीजिए और गेट OTP कर दीजिए। अगर आप लोग ये पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो गाइस OTP नहीं जाएगा आपका मोबाइल पर। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर और गेट OTP कर देना है, OTP जाएगा मोबाइल पर, OTP दे देना है, उसके बाद में ये कैप्चर यहाँ पर दे देना है और साइन इन कर देना है। साइन इन कर देने के बाद में देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट दिखा रहा हूँ। न्यू एप्लीकेशन पर जाना है आपको, और साइन इन कर देने के बाद में इस तरीके का आपका इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको इस तरीके का मतलब फॉर्म एक फिलअप करना पड़ता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अपना स्टेट जो भी गाइस, वो जो भी आपने चूज किया है गाइस, ये असम का है तो असम का ही आएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर स्टेट होगा, उसके बाद में यहाँ पर जाइए और ये रूरल एरिया के लिए है, और उसके बाद में देखिए गाइस, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम आपको यहाँ पर दे देना है, जो भी गाइस आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग दे दीजिए। उसके बाद में गाइस, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देने के बाद में ब्लॉक नेम आएगा, आपका ब्लॉक आएगा, उसके बाद में पंचायत का नेम आएगा, कौन सा है आपका पंचायत ऑफिस कहाँ पर है वो आएगा, उसके बाद में विलेज नेम आएगा, आपका विलेज आएगा, और उसके बाद में हैबिटेशन नेम में भी आपका विलेज आ सकता है या तो आपका हैबिटेशन कौन सा है वो आ सकता है, तो वही दे देना है आपको। यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर आधार बोल के गाइस, आपका आधार कार्ड में कौन सा नेम है वही दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दे देना है, मतलब आधार कार्ड में जो भी नेम है एक्चुअल में है गाइस वही आपको A to Z फिलअप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर टिक लगा देना है, वेरीफाइड आधार कार्ड देना है, सॉरी गाइस, वेरीफाइड आधार कार्ड देने के बाद में गाइस वेरीफाइड हो जाएगा, और वेरीफाई हो जाने के बाद में यहाँ पर फादर नेम है तो हस्बैंड नेम आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, BPL APL BPL सेलेक्ट करिए, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी OBC SC ST जो भी है जनरल वो आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर कार्ड टाइप और ये कार्ड नंबर ये वेरीफाई कर देने के बाद ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पर एक ईमेल आईडी अगर है तो दे दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है, और उसके बाद में एड्रेस आपको विलेज नेम दे देना है यहाँ पर, और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में देखिए कैसे IFSC कोड दे देना है। IFSC कोड देने के बाद में आपको नो योर IFSC कोड पर क्लिक नहीं करना है, आपको IFSC कोड दे देना है, जो भी बैंक अकाउंट आप लोग यहाँ पर अपलोड कर रहे हो 200 KB के नीचे में अपलोड करना पड़ता है एक PDF फाइल बना के, यहाँ पर आपको बताया गया है, और पासबुक का मतलब यहाँ पर दे देना है, और जो भी पासबुक आप लोग दे रहे हो गाइस उसी पासबुक में IFSC कोड होता है गाइस, वो IFSC कोड आपको यहाँ पर लिख देना है, और ये लिख देने के बाद में
यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर पर एक बार क्लिक कर देना है और ये बैंक नेम, उसके बाद में ये ब्रांच ऑफ द बैंक ऑटोमेटिक आएगा, ब्रांच एड्रेस ऑटोमेटिक आएगा, स्टेट आएगा बैंक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आएगा, उसके बाद में अकाउंट नंबर जस्ट दे देना है और उसके बाद में यहाँ पर भी वही अकाउंट नंबर दे देना है, उसके बाद में अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद में रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा और वो रेफरेंस नंबर आपको जो भी गैस नंबर एक होता है गैस वो नंबर मोबाइल पर भी जाएगा और यहाँ पर भी आपको शो होगा। तो गैस इतना ही है आपका काम, बहुत ही इजी सा एक प्रोसेस है गैस न्यू टॉयलेट अप्लाई करने के लिए, स्वच्छ शौचालय अप्लाई करने के लिए, जो कि आपको गवर्नमेंट के थ्रू से गैस 12,000 रुपीस जो कि यहाँ पर लिखा गया है 12,000 रुपीस आपको दिया जाता है। फर्स्ट पेमेंट में आपका 9,000 रुपीस क्रेडिटेड होता है अपना बैंक अकाउंट पर। तो गैस ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ गैस, आप लोग करिए, आप लोग अपना मोबाइल से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में अगर स्टेटस देखना है तो गैस व्यू एप्लीकेशन पर जाना है और व्यू एप्लीकेशन पर जाने के बाद में देखिए गैस यहाँ पर आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, आपने एक मोबाइल नंबर से कितना किया है वो सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी गैस ये एप्लीकेशन नंबर शो होगा, अभी यहाँ पर ट्रैक पर आपको क्लिक कर देना है, ट्रैक पर क्लिक कर देने के बाद में गैस यहाँ पर आपका डिटेल शो होगा गैस, आपका नेम वगैरह वगैरह, और यहाँ पर ये फास्ट का रिसीव हो चुका है, अभी दो नंबर में एप्लीकेशन स्क्रीन डन हो जाने के बाद में आपका पैसा आएगा, मतलब बैंक अकाउंट पर 9,000 रुपीस क्रेडिटेड होगा IHHL के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो गैस यही है और ये बहुत ही इजी सा एक प्रोसेस है गैस, उसी तरीके से आप लोग जितना भी आप लोग एक मोबाइल नंबर से किया है गैस वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, ये यहाँ से गैस एप्लीकेशन रिसीप निकाल सकते हो, देखिए गैस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में इस तरीके से आपका एप्लीकेशन रिसीप आएगा और ये आप लोग अच्छे तरीके से डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने कौन सा पासबुक दिया है वो आपको पता नहीं है तो गैस यहाँ पर डाउनलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासबुक पर आप लोग जाके इस तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हो अपना पासबुक। तो ये देख सकते हो गैस ये पासबुक डाउनलोड हो चुका है और इस तरीके से ये पासबुक में पैसा आएगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का मेरा वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।